Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. It's Ruchi here. I hope you all are doing good. So guys, आज मैं आप लोगों के साथ share करने वाली हूँ एक product का review, एक eyeliner का review share. Actually, जब भी मैंने eyeliner को use किया है ना, ये glitter eyeliner है, इसको जब भी मैंने use किया है तो मुझे mostly comment आए हैं इसके बारे में जानने के लिए. ये बहुत ज़्यादा affordable है. ये है Hilary Rhoda का. ये देखिए guys. ये मेरे पास इस तरह के पैकेजिंग में आया था. मैंने ये ओपन कर लिया है. तो इन आईलाइनर का आज मैं आप लोग के साथ रिव्यू करने वाली हूँ और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं क्योंकि मैं इनको अक्सर अपनी आई लुक में यूज़ करती हूँ. तो मैंने सोचा मैं आप लोग के साथ इनको शेयर कर लेती हूँ. मैंने इसमें मुझे चार कलर दिखे थे ये और मैंने ये चारों ही ऑर्डर कर लिए थे. एक साथ ऑर्डर करने पर ही मुझे कम के मिल गए थे. एक ऑर्डर करने पे 100 ईच पड़ता है लेकिन एक साथ ऑर्डर करने पे मेरे को ये ऑफर में बहुत ही ज़्यादा सस्ते पड़ गए थे. बट अभी जो भी इनका प्राइस होगा मैं आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. अगर आप लोगों को ये अच्छे लगते हैं तो आप भी परचेज कर सकते हैं. सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं रिव्यू. ओके, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ. ये मेरे पास चार शेड हैं. ब्लू है, सिल्वर है, गोल्डन है और ये ग्रीन है. ये कुछ प्लास्टिक रैप होके आते हैं. कुछ ज्यादा इनके ऊपर नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ नंबर लिखा हुआ है. जैसे ये ब्लू वाला है, इसका नंबर है 12 और Hilary Rhoda लिखा हुआ है इसके ऊपर. सो गाइज, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ. सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, ये ना उन लोगों को बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा जिन लोगों को आई मेकअप करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है या फिर नहीं, कुछ भी नहीं हो पाता है. क्योंकि मैं भी जब बिगिनर थी मेकअप में तो मुझसे भी बहुत सारी दिक्कतें होती थी. तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, इसका यूज़ करके आप अपनी आई लुक को इतना ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं ना कि आपको कुछ एफर्ट भी नहीं लेना पड़ेगा और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव आपका आई लुक लगेगा. अच्छा, तो सबसे पहले ब्रांड की बात करते हैं. ये है Hilary Rhoda का. तो ये एक इंडियन ब्रांड है. पहली बात हो गई कि ये इंडियन ब्रांड है. सेकंड चीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसके शेड रेंज मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है. क्योंकि अक्सर हम आईज़ पर जो नॉर्मली लगाना प्रेफर करते हैं कि ब्लू कलर लगा लिया. ब्लू कलर तो आप लोगों को पता ही है कितना ज़्यादा ट्रेंडिंग रहता है. ब्लू है, ग्रीन है बहुत प्यारा वाला, सिल्वर और गोल्डन तो ये हमेशा ही हमारे यूज़ आ जाते हैं. और एक बहुत अच्छी बात इसकी ये है कि आप इसको एज अ आईलाइनर और एज अ आई शेडो भी यूज़ कर सकते हैं. वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि कैसे. अब एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये जो है ना बहुत ही ट्रेवल फ्रेंडली है. आप देख सकते हैं कितनी छोटी सी पैकेजिंग है और ये ऐसे ओपन होता है और ऐसे बंद हो जाता है बिल्कुल टाइट से. तो बिल्कुल भी इसके गिरने का कोई डर नहीं रहता. तो ये ट्रेवल फ्रेंडली भी है. और एक चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है कि ये टीनेज गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है. गर्ल्स जो चाहती हैं कि मतलब हमारी आई लुक बहुत सुंदर हो, हमें पार्टी मेकअप करना है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है. और आप चाहें तो आप सिंगल शेड भी परचेज कर सकते हैं. मैं आपको सिंगल का भी लिंक दे दूंगी बट मैं प्रेफर करूंगी कि आप चारों एक साथ खरीदें क्योंकि अफोर्डेबल हो जाते हैं. आपको सस्ते में चार मिल जाते हैं, इतने में आप एक लेते हो, थोड़े से पैसे और डाल के आप चारों ले सकते. तो चलिए सबसे पहले हैंड्स पर मैं आपको इसका डेमो दिखाती हूँ. गाइज, हैंड स्वेच आप लोगों ने देख लिया है. अब मैं आपको इसको अपनी आई पर लगाकर दिखाऊंगी कि कैसे ये एकदम से लुक को चेंज कर देगा. तो अभी मैंने अपने आई पर कुछ नहीं लगाया, मैंने सिर्फ ये काजल लगाया हुआ है. अपर लैश लाइन पर मैंने कुछ नहीं लगाया. तो मैं अभी इसको पहले ओपन करती हूँ. मैं इसकी आपको टिप दिखाती हूँ. बहुत ज़्यादा फाइन नहीं है इसकी टिप लेकिन आई लाइनर लग जाएगा आराम से. सो गाइज, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिफरेंस हो गया है, कितनी ज़्यादा खूबसूरत. अब ये मेकअप अगर मैं ऐसा कुछ करके जाती हूँ, अभी तो एक्चुअली मैंने कोई फेस पे मेकअप इतना नहीं किया है, मैंने सिर्फ एक बेबी क्रीम लगाई हुई है. तो अगर मैं फुल मेकअप के साथ ऐसे आईज़ पे ये लगाती हूँ तो आप खुद देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा सुंदर ये लग रहा है. अच्छा, एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप लोग अगर सोचें कि एकदम से ड्राई हो जाएगा, एकदम से ड्राई नहीं होगा. ये 1 या 2 मिनट लेगा ड्राई होने में लेकिन एक बार ड्राई हो जाएगा तो बिल्कुल नहीं उतरेगा. अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इसको आप एज अ आई शेडो कैसे यूज़ कर सकते हैं. मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और बहुत ही अच्छे से इसने आईज़ को पॉप अप कर दिया. आप खुद देखिए, बिल्कुल पार्टी मेकअप वाला लग रहा है लुक एकदम मेरा. आई शेडो की तरह से कैसे यूज़ कर सकते हैं तो मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ. जैसे मैंने सिल्वर कलर ले लिया है तो मैं इसको अप्लाई कर लूँगी और इसको ड्राई मत होने देना, एकदम ही अपनी आईज़ पर फैला देना.
ये देख सकते हैं आप कितना प्यारा ग्लिटरी लुक आ गया है। अब इस आई में आप लोगों को डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। ये अच्छा प्रोडक्ट है, मेरे ख्याल से आप लोगों को जरूर खरीदना चाहिए और हर लड़की के पास ये होना चाहिए। अगर आपको आई मेकअप करने का शौक है या मतलब आप लोगों को ऐसे अट्रैक्टिव लुक करने का शौक है या आपको बिल्कुल भी आई मेकअप नहीं आता है तो आप एक आईलाइनर लगाकर भी अपना लुक को चेंज कर सकते हैं। सो गाइज, ये था एक छोटा सा रिव्यू, आप लोगों को कैसा लगा तो मुझे जरूर बताना। और अगर आप इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से जाकर आप इसको परचेज कर सकते हैं। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहे। और गाइज, अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।